नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुल प्रजापति। आप देख रहे हैं हमारे चैनल गाड़ी मोटर्स हिंदी ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है फोर्ड की नई तीन कार आने वाली है बाय 2021 तक, यानी कि 2021 तक ये तीन कारें लॉन्च होने वाली है। पहली है एक फुल साइज SUV, दूसरी है एक हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, और तीसरी एक प्रीमियम सेडान। तो ये तीन नई कारें आने वाली है। कब क्या लॉन्च होने वाली है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप स्किप मत करना देख रहे कभी हैं भी, वीडियो क्योंकि को। अच्छा नहीं लगता। पूरी वीडियो देख लो, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर दो, लेकिन यार दोस्तों पूरी वीडियो देख लो। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते दोस्तों आज का वीडियो। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले जो SUV आने वाली है वो है फोर्ड की नई कुगा। अगर एक्सटीरियर की बात कर दो, इसमें सेम के सेम जो फोर्ड एंडेवर में जो ग्रिल आती है वैसी के सेम इसमें दे दी जाने वाली है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इसमें आने वाला 2 लीटर का डीजल इंजन टर्बो चार्ज है, 147 की BHP पावर बनाता है और 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, तो काफ़ी पंची रहने वाला है और विथ 6-स्पीड मैनुअल के साथ शायद उपलब्ध कराया जाएगा। अगर पेट्रोल की बात करूँ तो वो है 1.5 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन है, जिसमें कोई भी अभी तक पावर फिगर की जो परफेक्शन है वो नहीं मिला है अभी तक। अगर मैं लॉन्च की बात कर दूँ तो लॉन्च होने वाली है 2019, यानी कि 2019 के अंत में ये लॉन्च हो सकती है शायद। अगर एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात कर दूं तो ये 12 लाख से शुरू होती है और 18 लाख तक इसकी प्राइस जाने की संभावना है। अगर डायरेक्ट राइवल्स की बात कर दूं तो इसके जो डायरेक्ट राइवल्स है यानी कि कॉम्पिटिटर्स है वो है महिंद्रा XUV500, एक है रेनो कैप्चर और है ह्यूंडई टूसन। तो ये जो पहली एक SUV फुल साइज SUV की इन्फॉर्मेशन। जो अगर मैं बात कर दूँ सेकंड नंबर की, तो वो सेकंड नंबर है एक प्रीमियम हैचबैक का आने वाली है। अगर डायरेक्ट राइवल्स की बात करूँ प्रीमियम हैचबैक, इसका कोड नेम रहने वाला B562, अभी तक इसका जो फाइनल नेम है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन आएगा तब बता दूंगा। अगर मैं इसके कोड नेम की बात कर दूँ तो B562 रहने वाला है। अगर डायरेक्ट राइवल्स की बात कर दूँ, कॉम्पिटिटर्स की बात कर दूँ, तो वो रहने वाले मारुति सुजुकी की बलेनो, एलिट i20 ह्यूंडई की, और होंडा जेस, और अभी आएगी टाटा की अल्ट्रोस। तो चार मिनिमम चार तो ही डायरेक्ट ड्राइवर्स इसके रहने वाले हैं। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात कर दूँ तो ये आने वाली 5 लाख से या 6 लाख के बीच में ही शुरू होगी ये कार की प्राइस, और जाने वाली है 9.5 लाख या 10 लाख तक, इस 10 लाख तक इसकी प्राइस जाने की संभावना है। अगर एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात कर दूँ तो 2019 और 2020 तक बीच में कार लॉन्च हो सकती है, यानी कि प्रीमियम हैचबैक लॉन्च हो सकती है। अगर थर्ड नंबर की बात कर दो तो थर्ड नंबर पर आती है एक प्रीमियम सेडन जो फोर्ड की आने वाली है वो। अगर इसके डायरेक्ट राइवल्स की बात कर दो तो इसके डायरेक्ट राइवल्स रहने वाला है एक मारुति सुजुकी की सियाज, होंडा सिटी और ह्युंडई वर्ना, ये तीन ही डायरेक्ट इसके राइवल्स रहने वाला है। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात कर दो तो ये शायद ये कार आने वाली है 8 लाख से शुरू होती है और 14 या 15 लाख तक इसकी प्राइस जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब इसके लॉन्च डेट की बात कर दूँ तो 2020 तक या 2021 तक ये सेडान लॉन्च हो सकती है। अभी तक इसमें जो श्योरिटी है वो नहीं मिली है, लेकिन आएगी तो ये एक प्रीमियम हैचबैक और एक सेडान की एक वीडियो अलग से मैं बनाकर आपको दूंगा। तो ये तीन ही एक फोर्ड की नई जो कार्स आने वाली वो यही थी, बस यही थी मेरी इन्फॉर्मेशन। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक हमारे चैनल गाड़ी मोटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भूलिए। तो आगे ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप देखते रहिए और देखते रहिए गाड़ी मोटर्स हिंदी ऑटो यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। ओके।